हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट क्लास के लिए कुछ साइट वर्ड्स लर्न करने वाले हैं। साइट वर्ड्स को लर्न करना हमारी रीडिंग के लिए, इंग्लिश रीडिंग में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इस क्लास में कुछ ऐसे साइट वर्ड्स शेयर करूँगी जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उनकी रीडिंग एंड राइटिंग एज वेल, मीन्स उनकी स्पेलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज जब इसी क्लास में आप अपर टाइम पर जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए आते हैं। सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो सेंटेंस फॉर्म हम तब कर पाएंगे व्हेन वी नो द स्पेलिंग्स वेरी वेल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट साइट वर्ड इज आफ्टर। आफ्टर स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे, आफ्टर। ऑलराइट, इसमें मैं ये समझाना चाहूँगी, पेरेंट्स जब भी बच्चों को आप साइट वर्ड्स अब ग्रेड वन में करवा रहे हैं तो कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं जो अभी आप बच्चे को इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जैसे इस वर्ड में, इसमें आप बच्चे को बता सकते हैं ये क्या है। ई की साउंड अगर हम फोनिक्स पे जाएं तो क्या होती है, ए। बट क्योंकि ये आर इसके साथ लग गया, दिस इज अ आर कंट्रोलिंग वोवल। आर कंट्रोलिंग वोवल पे अगर आपको सेपरेट क्लास चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। वर्ड के साथ आप इजीली अभी सिर्फ इतना समझा सकते हैं, जब भी ई आर साथ में दिखाई देगा इसको हम अर रीड करेंगे। अर, तो ये क्या बनेगा, आफ्टर। नेक्स्ट एवरी, ये कुछ साइट वर्ड्स हैं, फर्स्ट क्लास में ही हमें इन्हें अच्छे से लर्न करना है ताकि जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। गोइंग, नो, एन ओ नो नहीं, के एन ओ डब्ल्यू, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज नो। क्यों, के इसमें साइलेंट है एंड इसका मीनिंग नो मीन्स जानना, जैसे बोलते हैं ना आई नो दिस, मतलब मुझे पता है, ये नो वो वाला है। साइट वर्ड के साथ साथ मीनिंग्स भी बच्चे को बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओवर, ओवर। स्टॉप, स्टॉप। देन राउंड, राउंड। दिस इज अगेन अ स्पेलिंग रूल। ओ यू, ओ यू को हम यहाँ पे क्या रीड करते हैं, आउ। ओ यू जब भी साथ में दिखाई देता है इसको हम आउ रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, इसी तरह से आप बच्चे को मेमोराइज कराने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे क्लाउड, तो आप अभी लिख के मत दीजिए बच्चे को, आप राइट नहीं करेंगे, आप बच्चे को खुद से बोलिए कि अब आप इसकी स्पेलिंग बनाएंगे। राउंड आपने करवाया, अब आप बोलेंगे क्लाउड, तो क्या लिखेंगे, आउ। आउ के लिए हम ओ यू लिखते हैं, क्लाउड। ऑलराइट, नेक्स्ट वंस, ओ एन ई वन हम पढ़ते हैं, दिस इज वंस, अगेन स्पेलिंग रूल। सी के साथ जब ई लग जाता है इसको हम सर रीड करते हैं, वंस। गिव, ओपन, ओपन। सॉरी फॉर द फ्लक्चुएशन। थैंक, थैंक। अगेन, अगेन। ओल्ड, पुट। मैं जिस तरह से अभी राइट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम जब आप ये मेरी क्लास बच्चे को दिखाएंगे आप मेरे वॉल्यूम को अप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं खुद आपसे बोल रही हूँ, वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दीजिए एंड
जैसे जैसे मैं वर्ड्स राइट कर रही हूँ बच्चे को रीड करने को बोलिए. नेक्स्ट वर्ड जस्ट. जस्ट कुड. ये कुड शुड वुड ये सब वर्ड्स एक साथ आप राइट करेंगे. शुड वुड. ऑल राइट, क्योंकि ये सेम प्रोनंसिएशन इन वर्ड्स की रहती है इनको हम एक साथ राइट कर रहे हैं. सम देम वर टेक टी ए के ई टेक एनी एनी. नेक्स्ट लिव लिव फ्लाई आस्क आस्क वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक फ्रॉम फ्रॉम हैज have any many friend friend. जो भी स्पेलिंग्स अगर बच्चे को डिफिकल्ट लगती है आप उसको ब्रेक करके लर्न करेंगे. जैसे मैं इसको अपने बेटे को कैसे लर्न करवाती हूँ, F R I E N D F R I E N D friend F R I E N D. क्योंकि ये फोनिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो बच्चे को मेमोराइज करने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है. पीपल पीपल नंबर वॉटर. इसी तरह से जब आप इसका ई आर मैंने जैसे फर्स्ट में बताया फर्स्ट वर्ड में था, अगर आप इसको पहले से बता देंगे तो नेक्स्ट वर्ड रीड करना बहुत इजी हो जाएगा. तो अब फिर आप बच्चों को रिमेमराइज करवाएंगे ई आर जब साथ में होता है हम उसको किस तरह से रीड करते हैं, अर. ऑलराइट, नेक्स्ट मोर मोर दीज दीज not said said your look words words called called she each each all out out we will will than. difference words में समझाना है. this is than and this is then. than then. next word is mother father sister brother cycle cycle careful careful children
children, years, years, little, little, class, next is class, color, color, house, 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 night, night, fun. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आई प्रॉमिस यू आप इंग्लिश रीडिंग में बहुत ही फ्लुएंट हो जाएंगे. दिस इज़ फॉर ग्रेड वन. ग्रेड वन के लिए इतने वर्ड्स, साइट वर्ड्स, आई एम अगेन सेइंग साइट वर्ड्स इनफ हैं. यही वर्ड्स बार बार आपको दिखाई देते हैं, और अगर आपको कोई और वर्ड ऐसा लगता है जो इसी लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.